दोस्तों, एक कहावत है कि पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। एक परसेप्शन बना हुआ है इंडिया में कि पुलिस वाला यानी कि एक ऐसा करप्ट ऑफिसर जो आपकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, चाहे आप सही हो या रॉन्ग। वो ये बिल्कुल रूड होगा और वो सिर्फ पैसे की बात करेगा। आप उसे पैसे ही दो, उसके बाद वो काम स्टार्ट करेगा। ये एक परसेप्शन बना हुआ है और मजाक है, लेकिन सीरियसली है दोस्तों। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जब भी पुलिस वाला हमारे अराउंड या हमारे सराउंडिंग में आता है या रहता है, तो हमें वस्तुतः सेफ होने की बजाय हम हमेशा डरे हुए रहते हैं। ये एक वर्चुअल, एक रियलिटी है दोस्तों। तो हाय गाइज, मेरा नाम है दीपक कुमार और आज मैं बात करूंगा कि वाई इंडियंस फियर्स फ्रॉम पुलिस। क्यों इंडियंस पुलिस वाले से डरते हैं? क्या रियली में पुलिस वालों से डरना जरूरी है? तो मैं यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट शेयर करूंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो चलिए मैं 3 से 4 पॉइंट शेयर कर देता हूँ। तो देखिए, पहला पॉइंट है आपका जो ब्रिटिशर्स। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ब्रिटिशर्स में आपने अगर हिस्ट्री बुक पढ़ा होगा तो वहां पर फ्रीडम फाइटर लोग के अगेंस्ट में रहते थे पुलिस वाले। वहां तो वाइस राय जो हाई ऑफिशियल वो तो बैठते नहीं थे, तो वहां पर पुलिस वालों को खुली छूट मिलती थी फ्रीडम फाइटर के खिलाफ कि आप बस उसे शांत करो। और जरूरी भी था, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स बहुत उग्र हो जाते थे कभी कभी, तो उन्हें कंट्रोल करना जरूरी हो जाता था। तो वहां से एक परसेप्शन बना हुआ है और वो रूल अभी तक चल भी रहा है। ब्रिटिशर्स उस समय जो पुलिस वाले वहां के हुआ करते थे, वो बहुत टॉर्चर करते थे फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ, बहुत ज्यादा ही, बहुत रूड बिहेवियर हुआ करते थे। तो इसीलिए वो एक परसेप्शन बना हुआ है। तो पहला पॉइंट आपका ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी जो चलती आ रही थी और वो अभी भी चली आ रही है। दूसरा पॉइंट मैं कहूंगा दोस्तों, हमारी इलिटरेसी। जी हाँ, हमारा देश जब आजाद हुआ था तब 12% आबादी हमारी पढ़ी लिखी हुई थी, लेकिन अभी हमारी आबादी 77% चली गई है हमारी इलिटरेसी लेवल। तो मैं इलिटरेसी क्यों कह रहा हूं, तो देखिए, हमारा जो पुलिस तंत्र है, जो हमारा आईपीसी, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि आईपीसी होता क्या है। हमारा जो पुलिस शासन तंत्र चलता है, सीआरपीसी, आईपीसी, इसकी हमें बेसिक नॉलेज तक नहीं है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि हम इतने हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं, लेकिन हमें बेसिक पता नहीं होती है कि हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी होता है। तो सोचिए कि पुलिस वाले आपके पास आया, कोई भी ब्राइबरी मांगा या कुछ भी मांगा, तो आप कुछ नहीं कह सकते हो। वो आपको किसी भी चीज के खिलाफ आपको अंदर घुसा सकता है, आपके खिलाफ कोई भी काम कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज हो, अगर कानून का नॉलेज, बेसिक नॉलेज हो, तो वो आपको नहीं डरा सकता है दोस्तों। और यही सबसे बड़ी गलती है हमारी इंडियंस की कि हमें पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली में आईपीसी है क्या, पुलिस वालों से क्यों डरना चाहिए, उसकी लिमिटेशन क्या है पुलिस वालों को कि आपको क्या कर सकता है। तो इलिटरेसी मैं सेकेंड कारण मानता हूँ। तीसरा कारण है दोस्तों हमारी एजुकेशन सिस्टम की। जी हाँ, मैं सबके बारे में तो नहीं बात करूंगा, लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि पुलिस वाले जो भी बनते हैं, वो तो बनते तो इंसान ही एक्चुअली में, तो वो खुद ही घूस दे के बनते हैं, चीटिंग करके बनते हैं, या फिर बहुत मेहनत से ही बनते हैं। और तो मेहनत से ही बनते हैं, तो उसमें भी उनको काफी ज्यादा कठिनाइयां आती है दोस्तों। वो आप ऐसे भी आपने फील किया होगा कि कोई भी स्कूल में दाखिला लेना कितना कठिन है, पैसे कितने लगते हैं। तो वो एक मेंटल में, एक माइंड में रहता है कि इतना कठिन करके मैंने काम लिया है, मैं घूस क्यों ना लूं। और एक रियलिटी है दोस्तों कि ब्रिटिशर्स के टाइम में जितने भी ऑफिशियल गवर्नमेंट है उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी, और अभी जो हमारा गवर्नमेंट तंत्र है उसमें कम सैलरी मिलती है। तो एक रीज़न ये भी है। और नेक्स्ट रीज़न है दोस्तों कि हर जो ब्राइब लेते हैं जो पुलिस वाले, उनको अपने सीनियर्स को भी कुछ पे करना पड़ता है। और ये वर्चुअल ट्रूथ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सबके खिलाफ हूँ, बहुत पुलिस वाले अच्छे होते हैं, लेकिन सीनियर्स को पे करना होता है। और अगर कोई घूस ना ले, कोई ब्राइब ना ले, तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है अपने सीनियर से। ये रियलिटी है। कुछ मैं बात करूंगा अपने हमारे पॉलिटिशियन से कि अगर कोई उनके अगेंस्ट में जाता है, कोई उनके अगेंस्ट में, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में खड़ा होता है, तो वो उनकी ट्रांसफर ऐसी जगह करते हैं जहां उनको कोई पूछने वाला नहीं हो। मैं एक रीजन दे देता हूँ कि मान लीजिए कोई आईपीएस ऑफिसर है, अगर मान लीजिए बिहार में है, तो वहां पर अगर वो जो वहां का सांसद होगा उसके अगेंस्ट में अगर वो काम करता है, वो अपना काम करता है, तो उसका सांसद उसकी पोस्टिंग नागालैंड में करवा देगा। अब आप समझिए कि वो आईपीएस बिहार में काम करेगा तो कितना फेम होगा, कितना काम अच्छा होगा, वो सराउंडिंग में रहेगा अपने फैमिली के, या चाहे कहीं भी, लेकिन वो मेन इंडिया का पार्ट है। लेकिन आप समझ जाइए नागालैंड,
कहाँ पर है, उसे वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, ये एक रियलिटी है। तो ये एक रीजन है दोस्तों कि ब्राइबिंग करने का। और ये लिटरेसी बहुत गंदा चीज़ है जो हमारे पुलिस को डरता है, लेकिन ये क्या बताऊँ मैं दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे एजुकेशन सिस्टम के बाद में बात करूंगा, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।